SSH India। मांग के और मदद लेके खाना पड़ रहा था, कम से कम वो इस बेइज्जती से बच जाएंगे और अपना मेहनत करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। जिस तरह से दरअसल देखा गया कि जो अभी लेबर की आप बात कर रहे थे, सरकार द्वारा उनको मदद पहुंचाई गई, क्या लगता है कि सरकार उन तक पहुंचा था सारे लोगों को? हमको तो नहीं लगता पहुंच पाए। देखिए, बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत इसके लगभग 75-80% लोग गाँव में रहते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल था। तो क्या लगता है कि अब चूंकि जो शुरुआत आप लोगों ने की है, धीरे धीरे हालात ठीक होंगे? लगता तो है कि हालात अब कुछ ठीक होने चाहिए। तो हालात ठीक होंगे? हाँ, ठीक है। क्या कहना चाहिए, चूंकि जिस तरह से आप लोगों ने जिले के मुखिया जनाब रामभद्र सिंह और राजेंद्र प्रसाद जी से आप लोगों ने अनुरोध करा और आग्रह करते हुए जिस तरह से आप लोगों ने मांग किया और आपकी मांगे पूरी हुई, क्या कहना चाहेंगे? उसमें बहुत बड़ा सहयोग है, मैंने पहले ही कहा बहुत बड़ा सहयोग है। अब चूंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसको भी देखना है कि ये बीमारी फैलने ना पाए। अगर अभी तक हमारा जिला कोरोना मुक्त है तो कोरोना मुक्त ही रहे और साथ साथ लोगों का रोजी रोजगार भी चलता रहे। क्या पैगाम देना चाहते हैं, चूंकि जिस तरह से 19 कोविन के जो बहादुर सिपाही है, बहादुर डॉक्टर है या सफाई कर्मी, क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अगर आराम से अपने घरों में हैं या आज दफ्तर भी आए हैं, तो ये उन्हीं लोगों की देन है, ये उनके मेहनत का नतीजा है जो समाज जो है ठीक ठाक चल रहा है। अगर मदद की बात किया जाए तो किस तरह चुकी रमजान बताते हैं कि यह चूंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है, इसमें तमाम ऐसे लोगों को मदद की जाती है जो किसी भी समुदाय से किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, क्या कहना चाहिए? हर लोग मदद कर रहे हैं और हमें लगता है कि रमजान की इस मुबारक महीने में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो जरूरतमंद है उसकी मदद करेंगे। ज्यादातर इस तरह से देखा गया कि लोग कहते हैं कि काफी लोग भूखे सो रहे हैं, हम लोगों ने जरूर किया, हम लोगों ने जो दौरा किया है, हमको लगता है कि जो प्राइवेट आप लोगों जैसे लोग शहर में है या मोहल्ले में है, करीब करीब हर बच्चों तक हर आदमी तक खाने की चीजें पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा सो रहा है, शासन प्रशासन भी बहुत ज्यादा अलर्ट है, हर जगह वो लोग की नजर रखे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और प्लस जो मोहल्ले के लोग हैं, शहर के लोग हैं, हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई। एक आधी सवाल मिलता सर ये कि चूंकि आप लोगों का जो कारोबार है वो बाहर से भी काम होता है, ठीक वाले टेढ़ा वाले बिराई वाले, क्या लगता है कि उन लोगों के लिए भी छूट मिली कि वो अपने मॉलों में अपने मैदान में? जिस तरह से कल बातें हुई मीटिंग में, तो लोकल प्रशासन का यही कहना था कि जो अपने घरों पर रह के काम करे उसके लिए कोई रोक नहीं है। चूंकि लॉकडाउन है, बीमारी बहुत खतरनाक है, तो लोग सड़क पे ना निकले, आवाजाही ज्यादा ना करें, अपने घरों पर रह के ही काम। जैसे देखा जाए कि टेढ़ा का काम होता है, लेकिन काम होता है घरों में, क्रीप का तो काम घर में कर सकते हैं, टेढ़ा वगैरह की काम है वो मैदानों में होता है, तो ऐसे काम तो मतलब वही है कि उसको बचा के करें, भाई पैनिक ना हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, दो चार लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मैदानों में भी काम करें या घर में भी काम करें। लॉकडाउन की बात करें तो अभी हम लोगों ने जब कंपनी में आपके कदम रखा तो गेट पे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए वॉचमैन खड़ा हुआ है, पका दे स्क्रीनिंग करके अंदर आने पर, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, बीमारी ये ऐसी बीमारी है कि लोगों के साथ आ रही है, तो आपके साथ भी आ सकती है, किसी और के साथ भी आ सकती है, तो अच्छा यही है कि हम
और ध्यान से हम चीजों को मेंटेन करें ताकि इस बीमारी से बच सकें। अब कारोबार के जो अभी बता रहे काफी माल टन पड़ा हुआ है, क्या माल तैयार होने के बाद क्या ये सूरत बन गई कि क्या आप लोग कहीं माल भेज पाएंगे? नहीं, हमें लगता है कि चूंकि वहाँ पोर्ट पे भी काम चालू हो गया है, जो हम लोग के माल पहले से वहाँ पहुंचे हुए थे और शिपमेंट नहीं हो पा रहा था, तो अब वो शिपमेंट स्टार्ट हो गया है। ट्रांसपोर्टर लोग से भी बात हो रही है, तो उसमें सरकार का बहुत सहयोग है, माल का आवाजाही सब काम चालू हो गया है। हमें लगता है धीरे धीरे जो है ये सब सामान मिल जाएगी। अभी आप वो सीपीसी चेयरमैन सिंह साहब ने अभी बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले किसी मीडिया में, 22 देशों से डिमांड आ रहे हैं कि अगर कोई जो ब्रांडेड मार्केट या जो चीजें अगर है तो क्या ये कितना इसको सकता है? नहीं, ये सही है, मैंने पहले भी आपको बताया क्योंकि ये पहले ऐसे ही बात है कि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वह पहले शख्स आप है जो खुल के आपने बात किया था। तो मैं कारपेट का जो बिजनेस है मैंने पहले ही बताया था कि कैटलॉग और ये सब पूरा सिस्टम होता है, तो चूंकि हमारे डिजाइन और कलर ऑलरेडी कैटलॉग में लगे हैं तो मांग बनी हुई है। जब कैटलॉग से ये बाहर हो जाएंगे, मांग कम हो जाएगी, जब चाइना या टर्की या दूसरे देशों के डिजाइन उसमें लग जाएंगे तब हमारे लिए दिक्कत है। लेकिन अभी हमें लगता है कि अभी अगर धीरे धीरे चीजें सामान्य होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे भी अगर देखा जाए जिस तरह से लोग मायूस हो जाते हैं, मायूसी शायद कुफ्र है और ये लगता है कि सामने ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, एक मालिक भी है कहीं ना कहीं की भरोसा रखना चाहिए कि आगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नहीं, हमें लगता है कि आगे बेहतर होगा, लोग को उम्मीद रखना चाहिए, सब सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है और लोग सरकार को मानने वाले लोग अपने अपने भगवान से अल्लाह से बड़ी दुआ करें, प्रार्थना करें और इस वबा से जल्दी जल्दी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जायसा।